नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास शो कार में सरकार। और कहां गए? इधर स्वागत है अनुराग भदौरिया का। लखनऊ पूर्वी से मैदान में उतरे हैं और तेज तर्रार नेता हैं। ये डिबेट नहीं है, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यहाँ जनता की सेवा के लिए और जनता के लिए इस बार सरकार समाजवादी की बनने जा रही है और लखनऊ पूर्वी से भी समाजवादी का परचम। ऐसे ही शॉर्ट टेम्पर लगे, वैसे ही वोट कटा। देखिए, जैसे ही आपको अभी खोजने में हमें दिक्कत हुई ना, कहाँ है, 10 तारीख के बाद आप जहाँ चाहेंगे वहाँ मिलेंगे। तो कार में सरकार के इस खास शो में अनुराग भदौरिया एक पहचान राष्ट्रीय प्रवक्ता की है, इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैं आपके माध्यम से लखनऊ पूर्वी की जनता का धन्यवाद देता हूं कि वो इतना उनका अपार समर्थन मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी की सीट इस बार इतिहास रचने जा रही है लखनऊ पूर्वी। झंडा रुक जाओ यार, पूरा प्रचार तुम हमारे शो में ही कर लो यार, थोड़ा क्यों नहीं करेंगे यार, प्रचार का ही तो माध्यम, यही तो माध्यम। हम इंटरव्यू करने आए हैं, आप पूरा प्रचार कर ले। यही छोड़ा है डिजिटल, और कुछ छोड़ा नहीं है। आपकी सरकार ने कहा है डिजिटल, मेरी सरकार ने, आपकी हमारी हमारी सरकार ने आपकी मतलब हमारी सरकार, हमारी देश की सरकार, हमारी आपकी, दोनों सुन ले, हमारी झगड़ा करने लगे। नहीं झगड़ा, हमको कह रहे हैं कि देश की सरकार ने बोला है कि डिजिटल सब कुछ चलेगा, तो कम से कम झंडा डिजिटल पे दिखाई तो दे, क्योंकि यही लहराने वाला है। हम आपको, हमें हमारे को ही चुनेंगे और किसको चुनेंगे, 10 तारीख के बाद यही लहराएगा और दूसरा कुछ नहीं लहराएगा। जानता हूँ प्रवक्ता है आप। चलिए कार में सवारी करते हैं और अनुराग भदौरिया से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाना है इसमें, खड़े हो जाइए और फिर इसके बाद देखते हैं आज ये कहीं इतना तो झगड़ा नहीं कर लेंगे कि एक बार फिर इन्हें जेल जाना पड़े। चलें, ये डिबेट वाला सवाल नहीं है, यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होंगे, विधानसभा का नाली होगा। हाँ, हाँ क्या? देखिए, दरअसल में उत्तर प्रदेश के अंदर में जो ये विधानसभा है, इसमें आप देखेंगे कि जिस तरह की मुद्दे हैं यहाँ पे, आपको रास्ते में दिखाई पड़ेंगे कि सड़कों की जिस तरह की हालत है यहाँ, जिस तरह की हालत यहाँ नालियों की है, जिस तरह से चारों तरफ यहाँ पे आप देखेंगे लोगों का चलना मुश्किल है। 30 साल से यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मैं कह रहा हूँ, जितनी गाड़ी स्पीड में रहेगी आपका इंटरव्यू उतना अच्छा होगा, क्योंकि समाजवादी लोग विकास की रफ्तार तेज रखना चाहते हैं। हमारा इंटरव्यू हमको करने दीजिए, हमारे संपादक न बनिए। संपादक नहीं, हमारा विजुअल बहुत अच्छा है। विजुअल नहीं, हर चीज स्पीड में रहनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी विकास बहुत स्पीड में करते हैं। 22 महीने में जब वो एक्सप्रेसवे बना देते हैं तो आप समझ सकते हो कि उनकी हर चीज स्पीड में होती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। इसलिए हम चलते भी तेज हैं। आपकी बहुत तेज स्पीड है, मैंने कहा ना, इसलिए हम चलते भी तेज हैं, बोलते भी तेज हैं, भागते भी तेज हैं और लड़ाई झगड़ा भी बहुत तेज करते हैं, जेल चले जाते हैं। नहीं नहीं, काम भी तेज करते हैं और कोई गलत बोलता है तो उसको टोकते भी हैं। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी से बताइएगा कि क्यों इतना झगड़ा कर लेते हैं, जेल जाना पड़ता है? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम राष्ट्र की बात करते हैं, वो लोग तो राष्ट्र का पूरा बुलंद किए हुए हैं। झूठे लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, झूठे लोग ज्यादा चिल्लाते हैं। जो राष्ट्र के लोग होते हैं उनको अपनी बात कहलवाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। अंग्रेजों के समय जब आप अपनी बात कहते थे तो आपको 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 किस तरह की, आप तानाशाही में तो जानते हो ना, आपको लोकतंत्र बचाए रखना है। चिल्लाने पर एक सेकंड मैं ऑफ रिकॉर्ड बात करूंगा आज ऑन कैमरा। अभी जब मैं आ रहा था और ट्रैफिक में फंस गया और 10 मिनट लेट हो गया तो मेरे ऊपर भी अनुराग भदौरिया ने चिल्लाया और मुझे अनुराग भदौरिया ने कहा, यार ऐसा करोगे, चुनाव लड़ रहा हूं मैं तो नहीं आ पाऊंगा आपका लाना, तो गुस्सा तो आप भी करते हो। गुस्सा नहीं, तो गुस्साए थे हमारे ऊपर, भाई ट्रैफिक है हमारा, बस थोड़ी है ट्रैफिक। इसको गुस्सा नहीं बोलते हैं, इसको मोहब्बत बोलते हैं कि हम अधिकार है कि हम बोल सकते हैं। राष्ट्रवादी भी तो मोहब्बत करते हैं टीवी में, नहीं नहीं वहाँ झल्ला जाते हैं। नहीं नहीं, के मोहब्बत को भी गले लगाइए, स्वीकार कीजिए। अरे हम तो मोहब्बत को गले लगाते हैं, बट वो कहाँ हिंदुस्तान को गले लगा रहे हैं। वो गले लगा ले महंगाई बेरोजगारी कम कर देते तो हम उनका कहते कि वो अच्छा कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी का आलम आपने देखा, उनकी किस बात पे तारीफ करें, जब कोविड काल में अपने लोगों की मौतें हो गई, कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी से मौत ना हुई हो, और आपने क्या किया, कह दिया कि किसी एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल बनाते हैं। ये ठीक नहीं लग रही है आपकी, भीड़ भाड़ बहुत कम है, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पे प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है, क्योंकि वो FIR बहुत जल्दी करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं आपने परमिशन नहीं ली थी, रैली निकाल दी। ये रैली नहीं है, ये तो हमारा एक शो है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, इस शो में हमने रैली निकालने की बात नहीं कही, क्योंकि आपको वो अगर इससे ज्यादा निकालेंगे तो वो तुरंत हमें एक चालान शाम को भेज देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ ठीक है आपके पास? हमारे पास भीड़ नहीं, हम जीत रहे हैं, आप कहो तो भीड़ ही भीड़ आ जाए, लेकिन वो दिक्कत है उनके कैमरे भी साथ चल रहे हैं। वो पीछे जैसे आपने बोला प्रोग्राम है तब से ही उन्होंने कैमरा अपना घुमाना शुरू कर दिया कि देखें यहाँ कितनी गाड़ियां चल रही हैं। हम नहीं बुलाए हैं भाई, पहले से बता दे रहे हैं चुनाव आयोग को, ये सब अनुराग भदौरिया बुलाए हैं, पूरा नोटिस इन्हों को भेजिएगा। देखिए, हमने भी बोल दिया कि हम उतने ही लोग रखेंगे जितने में वो हमें नोटिस ना भेज पाए। तो थोड़ा हंसी मजाक की तरफ चलते हैं, थोड़ी आपकी प्रेम कहानी की तरफ चलें कि चुनाव में ना बात करें।
चुनाव पे बात कीजिए ना, जनता के मुद्दों पे बात होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। एक हमारा दोस्त है, वो एक कंपनी खोलना चाहता है और ऐसा आदमी ढूंढ रहा है जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो, ठीक ठाक पैसा देगा। नाम आपका सजेस्ट कर दें उधर। देखिए उसका नाम सजेस्ट कर दो कि आपका नहीं, सुनो ना, उसको ये बता दो कि आपको समाज में विकास करना है तो अनुराग भदौरिया का नाम सजेस्ट कर दो, हम उसको विकास कैसे समाज को आगे बढ़ाना है वो बता दूंगा। और उसके पैसे भी खर्च नहीं होंगे, उसको वो समाज का विकास भी होगा, समाज को सुविधाएं भी दे पाएगा और उसकी भी बिजनेस अच्छी चलती रहेगी। नाटक भी तो बहुत अच्छा करते हैं। अरे तो मैं व्यवस्था उसकी मैं बता रहा हूँ, उसको आइडियाज दे दूंगा कि आपको कैसे समाज के अंदर में आगे बढ़ना है। चाय पीने लगते हैं, झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, मतलब ये कहाँ से आता है सब? ये बताइए, झंडा लेके खड़ा होना, चाय पीना गुनाह है क्या? गुनाह नहीं, आता कहाँ से? अरे आता क्या, मुसीबत में सब चीज अपने आप आती है। चाय, पता है कितने लोग तो चाय पी के पूरा दिन गुजार देते हैं क्योंकि उनके पास खाने का साधन नहीं है, वो चाय पी के ही गुजार देते हैं। कई लोगों के पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, तो आदमी की, हर आदमी की अपनी एक समस्या है, वो समस्या सरकार के तक जानी चाहिए लेकिन सरकार सुनती नहीं है। लखनऊ पूर्वी में क्या समस्या है? लखनऊ पूर्वी में रोडें टूटी फूटी पड़ी हुई, चकाचक रोड है यार। आदर्श, आदर्श दिखाओ जरा रोड, झूठ बोल रहे हैं ये। एबीपी न्यूज के कार में सरकार की सवारी करके ये झूठा नहीं चलेगा। दिखाओ आदर्श रोड जरा, बोल दे, बोलने दो। बोलिए, रोड से जा रहे हैं जिसको कौन रोक सकता? सुनो, जिस रोड बड़े नहीं रोक, अरे जिस रोड से हम आपको लेके जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे यही एक रोड है। कह दीजिए समाजवादी, सुन तो लीजिए, यही रोड है जो अभी 2 महीने पहले इसको लीपा पोती हुई है। जरा अंदर घुस के देखिए, अंदर घुसेंगे वो भी देखेंगे, अंदर पूरी बात घुसा दें। टूटी फूटी रोड कहो तो आप घुसा दें, ऐसी टूटी मिलेगी गाड़ी चलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो खैर, ये झूठे साबित हो गए। देखिए ये डिबेट नहीं है टीवी का कि आप एक कैमरे के फ्रेम रहे, यहाँ प्रमाण दिखता है। कार में सरकार की सवारी करने के दौरान हमने प्रमाण दिए, अब दिखा दिए। आदर्श रोड दिखाते रहो, बिल्कुल मत रुकना, इनकी बात नहीं सुनना है, ये डिबेट नहीं है। ये देखिए, देखिए आदर्श ने आपको कैसे रोड दिखाया, चमचमाती हुई सड़क है। अंदर जाएंगे तब भी आपकी बात मानेंगे। हाँ बगल में भी दिखा देते गंदगी। हाँ बगल में गंदगी दिखाओ जरा, कहाँ गंदगी? झाड़ू लगा हुआ है। अरे अनुराग भाई ऐसे ही आप वीडियो बना और दिखाएं। ये दिखाओ गंदगी कहाँ है, गंदगी? चलने दो, अभी चलने दो, अभी तो आप उस रोड पे जा रहे हो जिस रोड को सब कनेक्ट करती है अभी। ए जय जय जय, ए जय जय, आइए इधर आइए, इधर आइए आइए। ये जय 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 अखिलेश करोगे तो सुन ही नहीं पाएंगे कुछ, ये सुन नहीं पाएंगे, मगर जयकारा तो लगाना ही है ना हमको, समाजवादी को लाना है, महंगाई और बेरोजगारी देकर बचा। हंस के बोलो यार, तुम गुंडाई कर रहे हो, डरा रहे हो। गुंडाई हम लोग करते ही नहीं, गुंडाई तो इस सरकार में हो रही है। सरकार में, ये कह रहे हैं सरकार में गुंडाई हो रही है। बिल्कुल हो रही है सरकार में, सरे आम गुंडाई है। अगर गुंडे नहीं होती तो जिस तरह से रौंदा जाता है किसानों को, जिस तरह से यहाँ पे लोगों की विवेक तिवारी जैसे व्यक्ति की हत्या की जाती है, मनीष गुप्ता को ठोक ठोक के मार दिया जाता है पीट पीट के। थोड़ा सा रोकूं? नहीं नहीं, क्यों रोकोगे? दो सीओ भी तो आप, सरकार की बात हो रही है, अभी सरकार बीजेपी की है। जब सपा की थी, दो सीओ को मार दिए, उस पर बात। सरकार बीजेपी की है और जिम्मेदारी, सरकार के खिलाफ आवाज उठेगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, सरकार की जिम्मेदारी। हथरस की बेटी को रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार, दलित बच्ची थी, आप दो सीओ मार दिए गए आपके कार्यकाल। मेरी बात में जो कह रहा हूँ वो सुन लीजिए। सुन रहा हूँ, अब डर रहा हूँ मैं, अब डर रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए अनुराग भाई, आप गुस्साते बहुत। मुझसे डरिए मत, बस इतना याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता को दर्द दिया है और ये बोला कि जो ऑक्सीजन की कमी की बात करेगा उसको जेल में डाल देंगे। ये गुंडे नहीं तो क्या है, ये गुंडे नहीं तो क्या है? आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, सवाल पहले आप जो, गुंडे नहीं तो क्या है? वो सीओ पर, गुंडे नहीं तो क्या? सीओ की हत्या। चीफ मिनिस्टर कहेगा कि जो ऑक्सीजन की कमी की बात करेगा, बेड की कमी की बात करेगा, उसको जेल में डाल देंगे। गुंडे नहीं तो क्या है? सीओ की हत्या। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे रेप हो गया? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लड़के हैं, गलती हो जाए। आप मुझे बोलने दो, आप एजेंडा मत चलाइए, आप एजेंडा मत चलाइए। देखिए आ गए मेरे, चला रहे हो आप, एजेंडा चला रहे हो आप, एजेंडा चला रहे हो आप, एजेंडा चला रहे हो। डर नहीं गए? सवाल ना करो, गंदगी दिखाओ, गंदगी दिखाओ, ये गंदगी दिखाओ, ये तो पेड़ कटा दिखाओ, इनकी बात मानिए भाई। देखो कटा पड़ा हुआ यहाँ कितने दिनों से, दिखाइए गंदगी, ये हालत है। ये बात सच है आपकी, यहाँ गंदगी पड़ी है, ये बात सच है। और भी गंदगी आपको मिलेगी बहुत जगह, अभी तो आप अभी तो आप आए हैं। स्वागत करते, स्वागत। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया है।
और लगातार ध्यान भटकाती चली जा रही है। तो चलिए अनुराग भदौरिया से आगे भी बातचीत करते रहे। हाँ स्पीड चलिए भाई, इनके पास वक्त कम है। और अनुराग भदौरिया का वो अंदाज जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं, जिसकी वजह से इनको लोग देखते हैं। बोलो स्पीड कर लेना, स्पीड कर लो यार। तो आगे चलते हैं और जनता के बीच में भी जाएंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि ये सोशल मीडिया में ही लोकप्रिय हैं या इलाके में भी लोकप्रिय हैं। और एक ऐसा अंदाज भी कार में सरकार की सवारी में दिखाएंगे अनुराग भदौरिया का जो आपका मन मोह लेगा। आइए 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 आइए। क्या नाम है? आलोक। आलोक जी, आलोक जी, इनको देख के तो नहीं कह रहे? नहीं नहीं, इनको नहीं। आपसे साथ उतरा हूँ अचानक, आओ ना किसी को पकड़ लो। चलिए किसी को पकड़ते हैं। अरे चलो किसी को बताओ, आपकी किसको बना रहे हो? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार, आप बताओ किसको? अरे मैं चल रहा हूँ भाई, चल रहा हूँ। पात्रा को धोना है, अमित पात्रा को धोना है, अमित पात्रा धोना है। अरे यार तुम टीवी ले आए यार, इधर आइए इधर आइए। हाँ बताइए बताइए बताइए, क्या कह रहे हैं? क्यों अखिलेश? अखिलेश अखिलेश क्यों? अखिलेश काम कर रहा है, पिछली बार काम किया उसने। इन्होंने कुछ नहीं किया बीजेपी? नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया। चलिए आइए, ये रियलिटी टेस्ट है, पूछना पड़ेगा। आपके कहने नहीं, आपके कहने नहीं पूछूंगा ना, मेरे कहने से मत पूछो, किसी से पूछ लो। पूछो देखो भैया, इधर आओ। इस बार क्या लग रहा है आपको? किसमें? चुनाव में। अरे अपने सपा आएगी, सपा आएगी, सपा। इनको देख के आप? नहीं नहीं, सपा आएगी भाई। हाँ। तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। चलिए चलिए चलिए, चलिए 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 आगे और टेस्ट करते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ये डर जाएंगे, इनसे डरते भी हैं। कौन आ रहा है इस बार? कौन आ रहा है? अनुराग यादव। ओ अनुराग भदौरिया, नाम पता नहीं है, पता है। चलिए आगे आगे चलते हैं। चलिए यहाँ तो इस टेस्ट में ये पास हो गए हैं, आगे चलते हैं कार में सवारी करके और एक बार फिर जनता के बीच में चलेंगे। अब बताओ आप किस किस से पूछोगे? यहाँ पास हैं आप, अपने इलाके में लेकर आए हैं? नहीं अरे विधानसभा में ही तो रहेंगे, और कौन सा इलाका? ठीक है भाई, यहाँ पर तो अनुराग भदौरिया के ऊपर भरोसा लोग कर रहे हैं, ये सच है। वो भी कर रही है, पूछो पुलिस वाले भी, पूछिए। नौकरी न ले लीजिए आप, खुद कह रही है साइकिल। चलिए आगे चलते हैं। और अनुराग, अरे नारा न मानोगे यार, न मानोगे भैया। तो चलिए चलते हैं, चिल्लाते रहो। तो चलते हैं, अनुराग भदौरिया का वो अंदाज दिखाते हैं जो आपका मन मोह लेगा। अरे सुनो 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 सुनो, माला पहना लो। ये बताओ, ये फोन किए थे यहाँ रुकना है कि नहीं? हम लोग तो नहीं, कोई फोन नहीं किया था, कोई फोन नहीं था, कोई फोन नहीं किया था हम लोग, इनके फोन नहीं किए थे। गाड़ी में न चढ़ो यार, जिंदाबाद मान लिए। कूद ले, रोक रहे हैं यार, रोक रहे हैं, गजब कर दिए भाई। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, गाड़ी के सामने से हट जाओ। एक नारा बड़ा फेमस हुआ था, वो अभी भी लग रहा है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम। बिल्कुल सही बात है, जलवा कायम है अभी, आज तक उनका जलवा कायम है, आज तक वही नारा चल रहा है, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। और उन्होंने जो समाजवादी पार्टी बनाई, ऊपर नियंत्रण तो रहा नहीं, आप कह रहे हैं जलवा का है। मेरी बात नहीं समझे, किस पे किसका नियंत्रण नहीं, हम जनता की बात करते हैं। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार के पीछे पड़ी रहती है। अरे भाई जनता ने चुना है, पार्टी जनता के लिए होती है और जनता के लिए काम करती है। जैसे हमने यहाँ पे आपने देखा मेट्रो के, पार्टी के अंदर जलवा कायम है, पार्टी के अंदर में समाजवादी पार्टी का जनता के बीच में जलवा कायम है। मुलायम जी का जलवा कायम है आपके पार्टी के? क्यों नहीं है भाई, उन्हीं के बेटे हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। और देखने में बड़ा अच्छा लगा। ऐसा कुछ नहीं है, एक हर समय होता है, एक उम्र होती है,
अब आपने देखा होगा उनकी उम्र है, तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है, लेकिन आदरणीय नेताजी का गए थे आशीर्वाद लेने? नहीं, हम लोग हमेशा ही उनका आशीर्वाद कौन नहीं लेता है, जाते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनुराग भदौरिया, चाय पूछ लीजिए भाई, आप 10 किलोमीटर ले आए, पूरा प्रचार कर लिए आप हमारी गाड़ी में। देखिए, हमारे यहाँ बस्तर में जो ट्राइबल हम जब स्टोरी कवर करने जाते हैं तो उनको कहते हैं कि वो आदिवासी सीधे साधे लोग की कहाँ है, बोलते बस थोड़ी दूर और है, बस थोड़ी दूर और है, और ये थोड़ी दूर कर करके पूरा प्रचार आप हमारी गाड़ी में कर लिए। देखिए, यही तो बात है, भारतीय जनता पार्टी समझती है हम ही होशियार हैं। भारतीय जनता पार्टी है हम नहीं, अच्छा चैनल वाले समझते हैं हम ही होशियार हैं। तो चैनल वाले कहाँ समझ रहे हैं हम आए? उनको ये पता ही नहीं है प्रत्याशी भी होशियार होते हैं। अब आपने होशियारी कर ली है अनुराग भाई, अब चाय वाय पिला दीजिए कहीं पे। नहीं, अब हम किसी चौराहे में रुके, आपके चौराहे में नहीं रुकेंगे। सामने चौराहे, अरे चौराहे पे थोड़ा सा माहौल होता है। मैं माहौल बनाने नहीं आए आपके लिए। अरे हमारे लिए माहौल में बताओ, जनता के लिए बनाओ। जनता के लिए भी नहीं बनाएंगे भाई, जनता की सरकार। ये तो चाय समोसा मिल रहा है, वहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, कहीं भी आप पूछ लोगे। ये तो गाड़ी में चढ़ा के हम आपको फंस गए यार। चाय आदर्श, तुम्हें कहीं चाय ढूंढ के रोक लेना यार गाड़ी। तो ये थे अनुराग भदौरिया, जो कि अपनी चर्चा के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन यहाँ 2-3 सवालों में फंस गए हैं ये। लेकिन इस चुनाव प्रचार के बीच में अपना कीमती वक्त निकाला अनुराग भदौरिया ने, और एबीपी न्यूज के कार में सरकार की सवारी की। इसके लिए अनुराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी का चाय नहीं पिलाए? चाय पिलाऊंगा, अभी बढ़िया जगह चाय पिलाऊंगा आपको, चौराहे पे, हम लोग चौराहे पे पिलाते हैं ना चाय। तो ये थे अनुराग भदौरिया। अगले एपिसोड में किसी और खास मेहमान के साथ एक बार फिर कार में सरकार की सवारी करवाएंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।